ग्राफ बिगड़ा है और आपने अभी ग्राफ जाना शुरू किया है, तो ये मिस्टेक कभी मत कीजिएगा जो जनरली मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और कोशिश कीजिएगा ये चीज हम ना करें। मिस्टेक नंबर वन, सबसे पहले हमारी गिटार की जो होल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, वो कहीं झुकरा होता है या वो प्रॉपरली होल्ड नहीं होता। अब जब गिटार का एक कट है, ये हर गिटार में कट मिलेगा आपको, चाहे वो 2000 का गिटार हो चाहे 2 लाख का गिटार हो, तो ये कट का पर्पस ये है कि वो कट को हम थाई में रख लें और उसके बाद इस हैंड को, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल फ्री कर दें और आप देखें आपका गिटार स्टेबल है कि नहीं। और आप इसको इस तरह से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, इससे आपके गिटार का जो लेवल है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आपके शोल्डर के आसपास आ जाएगा, इससे हमारा प्रॉपर एक पॉस्चर हम बना पाए और ये टिप्स से हम गिटार को बजा पाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि होल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा हाथ इस हाथ से गिटार कंट्रोल होना चाहिए, ना कि हम इस गिटार हाथ से गिटार को होल्ड करें। तो होल्डिंग प्रॉपर होगी तो हम होल्डिंग के साथ प्रॉपरली प्ले भी कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर टू, पिक को देखिए पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। पिक जो होती है जनरली सब लोग अपने अपने हिसाब से पकड़ते हैं, वैसे तो कोई इसका यूनिवर्सल कोई रूल नहीं है कि हमें ऐसा ही पकड़ना है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि हम इस फिंगर से और इस थंब से इससे हम स्क्रिप्ट को पकड़ें और इसका मैक्सिमम पार्ट हम छुपा के रखें और बहुत थोड़ा सा पार्ट हम इसको स्ट्राइक स्ट्रोक करने के लिए छोड़ें, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टम जो है वो दूसरे स्ट्रिंग की तरफ नहीं जाएगा, वो जिस स्ट्रिंग को हम हिट करना चाह रहे हैं उसी को हिट कर पाएंगे। और सारा प्रेशर यहाँ होना चाहिए ना कि रिस्ट में, रिस्ट हमारी बहुत लूज होनी चाहिए और प्रेशर सारा इस पर होना चाहिए। जनरली लोग रिस्ट को टाइट कर देते हैं और फिर प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जर्क आते हैं उसमें और बहुत हार्श साउंड करता है। तो स्मूथली स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्रोक करने के लिए हमें इसको बहुत रिस्ट को लूज होना होगा और हमारे इसको प्रैक्टम को इन दो फिंगर थंब और इस फिंगर से अच्छे से ग्रिप करना होगा। मिस्टेक नंबर थ्री, जनरली जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डाउन 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 या फिर अप 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 स्ट्रोक करना शुरू कर देते हैं जाने अनजाने में। तो मैं सबको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑल्टरनेट पिकिंग ही करनी है, यानी कि एक डाउन एक अप, एक डाउन एक अप, एक डाउन एक अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। उससे क्या होगा, आपको स्पीड बढ़ाने में बहुत आसानी होगी और आप जल्दी ग्रो करेंगे एज ए गिटारिस्ट, क्योंकि जब आप एक वन साइड स्ट्रोक करते हैं तो आपकी स्पीड उतनी नहीं बन पाती है, हमारा हैंड पॉस्चर जो है वो हमें लॉक कर देता है राइट साइड लॉक प्ले करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ऑल्टर पिकिंग करें और जिससे जल्दी स्पीड बन पाए। मिस्टेक नंबर फोर, वो ये होता है कि हम लोग कई बार गिटार को ऐसा कर लेते हैं और ऐसा बजाने लगते हैं और देखिए मेरा पॉस्चर भी ऐसा ना, मैं झुक गया बहुत ज्यादा और ये बहुत गलत तरीका है। इसको हम सीधे बैठे और गिटार को भी, ये जो मार्कर पीछे दिए होते हैं इनके थ्रू हम फ्रेट्स को नंबर को धारण की कोशिश करें, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 और 19 ऑड नंबर्स में ये आपको अमूमन सारे ब्रांड्स में मिलेगा। तो ये मार्कर इसीलिए होते हैं कि हम इजीली उसको हम जिस भी फ्रेट पर हम बजाना चाहते हैं उसको हम जा सके। तो बहुत ज्यादा टेंड मत कीजिए, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन एक हद तक ही इसको रखें, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, राइट। मिस्टेक नंबर फाइव, हम लोग इनिशियली बहुत कम टाइम देते हैं प्रैक्टिस को, जबकि सबसे ज्यादा टाइम हमें इनिशियली देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, इनिशियली आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं होता और थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है, फिंगरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, साउंड वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं और हमें मन में होता है कि जल्दी से हम स्पीड अप करें और अच्छे से सॉन्ग बजाएं अपने कॉर्ड्स प्ले करें। लेकिन जो हम सोच के गिटार वगैरह शुरू करते हैं वो ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें इनिशियली थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हमें मेंटली टफ होना पड़ेगा, जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए और अच्छा गिटार प्ले कर पाए। तो प्रैक्टिस इज द ओनली की, इसलिए इनिशियली भी आपको एटलीस्ट 50 मिनट्स डेली के कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस देनी है, फिर आप देखिए क्या जल्दी से आप गिटार बजाएंगे। तो आपने देखी 5 mistakes या 5 tips कह सकते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर गिटारिस्ट हैं। मैं पवन गोस्वामी, आप देख रहे हैं लीडिंग नोट का चैनल और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका कोई सजेशन हो तो आप बताइए, आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बताइएगा और मैं आपके सुझावों का
आपके सजेशंस का वेलकम करता हूँ।